सो बहुत सुंदर त्रयोदशी तिथि इस कार्तिक मास में, ये त्रयोदशी तिथि के दिन बहुत सुंदर हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। और ये इतिहास जुड़ा हुआ है श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में समुद्र मंथन की कथा से। धनतेरस के विषय में इतना ही कि बहुत बहुत वर्ष पूर्व या बहुत युग पूर्व इस दुनिया में सबसे पहला बिजनेस करते ना आप लोग, धंधा बिजनेस होता है ना, जॉब करते बिजनेस करते, तो आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे पहला बिजनेस शुरू किया था देवता और दानवों ने मिलकर। मतलब सबसे पहला बिजनेस जो था वो जॉइंट वेंचर में था, पार्टनरशिप में था। आजकल हम और आप बिजनेस करते हैं तो वो किसके लिए, पैसे के लिए, डॉलर के लिए, यूरो के लिए, दिनार दिराम रुपये पैसे इनके लिए। लेकिन देव और दानवों ने जो बिजनेस किया वो बहुत ऊंचा धन प्राप्त करने के लिए, और वह धन था अमृत। यहाँ का जो धन है वो तो मर जाता है, लेकिन ये लोग जिसके लिए बिजनेस कर रहे थे वो मरे हुए को जीवित करने के लिए, अमृत प्रकट करने के लिए। सो देव और दानवों ने बहुत बड़ा उद्यम किया, भागवत में उसे बिजनेस कहा गया। एक बात समझ लीजिए, जीवन में धर्म के अनुसार यदि किसी को व्यापार बिजनेस जॉब नौकरी करनी है तो समुद्र मंथन प्रसंग को पढ़ लीजिएगा, आप जीवन में सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि भागवत में सब कुछ लिखा है, भागवत से बाहर कोई वस्तु नहीं है। ये जीवन जीने की कला या मरने की कला, ये सारी कला श्रीमद् भागवत जी में है। अब देखिए बात आई है धनतेरस की और बिजनेस की, तो ये दोनों जुड़ी हुई बात है। देव और दानवों ने बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया, दिन महीने साल बीते और मेहनत करते करते करते, आप सब जानते हैं ना कथा, तो आपने सुनी है, सबसे पहले विष निकला। तो बिजनेस करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो विष भी निकलेगा, विष माने लॉस भी होगा। जिसकी छाती है, मतलब जिसका कलेजा इतना बड़ा है कि हम लॉस भी खा सकते हैं, यदि लॉस आ जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उसी को बिजनेस करना चाहिए, नहीं तो किसी के वहां जॉब करने बैठ जाओ है? बिजनेस करने के लिए कलेजा चाहिए कि भाई लॉस हो गया तो भी कोई चिंता नहीं है। देव और दानवों ने जब यह बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहला लॉस हुआ, विष निकला, हल हला हलम, और फिर तो सारे देवता भगवान की शरण में, भगवान ने शिव जी की शरण में, और शिव जी ने वो विष पी लिया। विष जो होता है ना वो भगवान नहीं पीते, भगवान के भक्त ही पीते हैं। हमारे भगवान तो दूध दही माखन खाते हैं, ये विष पीने का डिपार्टमेंट हम भक्तों का है। इसलिए भजन करने वाले को भी ये ध्यान रख लेना चाहिए, भजन करने जा रहे हैं विष पीना पड़ेगा, क्योंकि भजन करने वाले विष नहीं पिएंगे तो कौन पिएंगे हैं? सो विष। और फिर कामधेनु गाय प्रकट हुई, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, एरावत हाथी निकला, धनुष बाण शंख चक्र कौस्तुभ मणि, ये सब कुछ समुद्र मंथन से कहते हैं, 14 रत्न निकले, पारिजात वृक्ष निकला, अप्सराए रंभा आदि अप्सराए निकली, वारुणी मदिरा निकली, बहुत सारी चीजें समुद्र से निकली। और निकलते निकलते बड़ा देव और दानवों के द्वारा, बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़ा उद्यम हुआ। तो यहां पर यह भी पॉइंट हमें सीखने लायक है कि इस जीवन में घर बैठे कुछ नहीं मिलता। देखिए हम सब डिवोटी हैं, हम सब भक्ति भक्त हैं, तो डिवोटी का अर्थ यह नहीं कि बस घर पर सोते रहे, बस बिल्कुल भैंस की तरह बिस्तर पर पड़े रहे, नहीं। डिवोटी माने उद्यम करने वाला। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे डिवोटी का मतलब क्या है, प्रभुपाद कहते हैं डिवोटी मीन्स एक्टिव डिवोशनल सर्विस, डिवोशन मीन्स एक्टिव, मतलब एक्टिव रहना। सो देव और दानवों ने एक्टिव होकर उद्यम किया, और उद्यम करने से
सुख दुख सब कुछ आए, हैं, कोई अच्छी वस्तु बुरी वस्तु सब कुछ आया, लेकिन आखिर ये करते 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 आज का दिन धनतेरस, कार्तिक महीने की त्रयोदशी आई और धनतेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन अमृत प्रकट हुआ। सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं कि कार्तिक महीने की इस त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु का एक दिव्य अवतार हुआ और उस अवतार का नाम था धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी का वर्णन किया, सिंह के समान उनकी छाती, कमर पतली, सुंदर उनका श्याम वर्ण का देह और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए और हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए। और जैसे ही भगवान, तो आज जो है ना, ये अब आपके वहां कब है पता नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि त्रयोदशी धनतेरस के दिन भगवान का एक अवतार हुआ और वो है धन्वंतरी अवतार। और इस धन्वंतरी अवतार ने अमृत को प्रकट, अमृत को लेकर प्रकट हुए। कथा आप सब जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर आए। धन्वंतरी के विषय में कहा है कि भगवान धन्वंतरी अमृत के देवता है और औषधि के देवता है। जिसे आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए उसे धन्वंतरी की उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए और असुर तो असुर ही हैं। असुरों ने क्या किया, भगवान धन्वंतरी से अमृत का कलश छीन लिया। एक बात समझ लीजिएगा, इस दुनिया में चाहे जॉब करे, बिजनेस करे, या संसार में समाज से किसी से व्यवहार करे, हम ये नीति रखेंगे कि हम छीन कर ले लेंगे या छल कपट करके ले लेंगे। प्रभु एक बात समझ लीजिए, ईश्वर के सामने किसी का छल कपट नहीं चलता और तकदीर में जो लिखा है उससे ज्यादा कोई भोगत नहीं सकता। चाहे कितना भी छीना झपटी कर लो, तो फिर क्यों छीना झपटी करना, जब भाग्य में लिखा है वही मिलने वाला है तो छीना झपटी क्यों। प्रयास करे, मेहनत करे, लेकिन नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार, अधर्म के अनुसार छीना झपटी करके ये असुर अमृत लेकर भाग गए। लेकिन देवताओं में बहुत सुंदर गुण था, इससे हमें देवताओं का गुण लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अमृत तो देवताओं को मिला ना। क्यों? क्योंकि देवताओं ने परिश्रम किया लेकिन फल की आशा नहीं रखी। देवताओं ने अमृत प्राप्त करने के लिए मेहनत की, भाई मेहनत करनी चाहिए, उन्होंने मेहनत की लेकिन फल की आशा नहीं रखी। असुर लोग लेकर चले गए तो देवताओं ने असुरों का केस नहीं किया कोर्ट में, या कोर्ट में केस दर्ज किया, भाई पुलिस बुलाओ, झगड़ा करो, नहीं। देवताओं ने क्या किया, भगवान की शरण में गए। तो इस संसार में जब हम काम करते हैं तो काम करते समय मेहनत खूब करें, परिश्रम करें, और फिर अंत में भगवान के ऊपर छोड़े, ईश्वर के हाथ में छोड़े कि प्रभु मेहनत मैंने कर दी है, अब क्या फल देना ये तेरे हाथ में है। इस भावना से हमें चलना है। और फिर देवताओं का क्या था, देवताओं ने उस बिजनेस के समय कभी लोभ नहीं किया। भक्तों ये धनतेरस इसे कहते हैं, बस केवल व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया, और वो भी मैसेज अपना नहीं, किसी का आया हुआ, अपना नाम चिपका कर किसी को भेजा। आज तो यही चल रहा है, बड़ा आडंबर चल रहा है आज इस संसार में, इस दुनिया में। कुछ अपने मन की बात, कुछ दिल की बात, कुछ अनुभव की बात करें तब तो और अच्छा होगा। किसी की बात, किसी को यहाँ की बात, कभी कभी तो अपना भेजा हुआ मैसेज घूम 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 के नाम बदल कर अपने पास आता है। खैर, लेकिन भारत के इन पर्वों से हमें बहुत बहुत सीख लेनी है। ये बहुत सारे सिद्धांत इन सब पर्वों में पाए जाते हैं। इस धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी दुनिया का सबसे बड़ा धन लेकर, अमृत लेकर प्रकट हुए और असुर उसे लेकर भाग गए। देवताओं ने लोभ नहीं किया, देवताओं ने कामना नहीं की, देवताओं ने छीना झपटी नहीं की, देवताओं ने एक ही चीज की, वे भगवान की शरण में चले गए। और उसका फल क्या मिला, मैं इस प्रसंग में, वैसे लगभग 150 श्लोक है समुद्र मंथन के प्रसंग में,
लेकिन मैं तीन श्लोक से पूरा सार आपको बताना चाहता हूं इस धनतेरस का, इस धन्वंतरी का। तीन श्लोक उसका आस्वादन करें। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के लगभग आठवें नौवें अध्याय का 27वां यह श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और निवेदन करते हैं, प्रीत प्राय अमृते देवे। पीत भगवान ने पिला दिया, पीत माने पिला दिया, प्राय प्राय माने 99%। क्या क्या पिलाया? तो अमृते, अमृत किसको पिलाया? देवे भगवान लोक भावन, लोक भावन लोक की रक्षा करने वाले, भक्त की रक्षा करने वाले, भक्त के जीवन प्राण धन, ऐसे भगवान विष्णु ने देवताओं को प्रायः 99% अमृत पिला दिया। सो पीत प्राय अमृते देवे भगवान लोक भावन। अब कथा आप सब जानते हैं ना कि मोहिनी अवतार धारण किया, असुरों से वह अमृत कलश ले लिया, असुरों को साइड में बिठाया और सारे देवताओं को अमृत का पान भगवान मोहिनी ने करा दिया और सारे देवता अमृत पी लिए। फिर क्या कहते हैं? पश्यताम असुरेंद्राणाम। फिर भगवान को असुरों का डर नहीं था, भगवान को तो यही था कि देवता अमृत पी ले फिर देख लूंगा क्या करना है। जब सारे देवताओं ने अमृत पान कर लिया तो मोहिनी का जो रूप था, भगवान असुरों के और देवताओं के देखते देखते विष्णु के रूप में कन्वर्ट हो गए। अर्थात मतलब कपट करके और ये करके नहीं, बिल्कुल सामने असुरों के सामने ही भगवान कन्वर्ट हुए। ले मैं मोहिनी नहीं, मैं विष्णु हूं, जो चाहिए कर लो। क्योंकि जो अमृत था वो तो पी गए देवता, अब पेट में से तो निकाला नहीं जा सकता, देवताओं को भगवान ने अमर बना दिया। और पश्यताम, सुखदेव जी कहते हैं कि पश्यताम असुर इंद्राणाम, असुर और देवताओं के देखते देखते स्वरूपम जगृहे हरि ही, हरि ने अपना रूप धारण कर लिया। सारे असुर अफसोस करने लगे कि हमारी मति मारी गई थी, कि स्त्री के बातों में आ गए, ये स्त्री नहीं थी, ये विष्णु ने स्त्री का रूप। असुर आपस में झगड़ा करने, मैं नहीं कह रहा था कि ये विष्णु ही हो सकता है, लेकिन आप लोग मेरी बात मान नहीं रहे थे। तो इस प्रकार से असुरों को नहीं मिला और प्रीत प्राय अमृते देवे, सारा अमृत देवताओं को मिला। लेकिन भक्तों, इस पूरे प्रसंग का सार सुखदेव गोस्वामी दो श्लोक में बताते हैं। ये दो श्लोक यदि जीवन में उतर गया ना, आपकी धनतेरस, नरक चतुर्दशी, आपकी दीपावली और नूतन वर्ष, नया साल आपका सुधर जाएगा, हम सब का सुधर जाएगा। हमें ये सीखना है। अगले श्लोक में पूरे इस धनतेरस का सार बताते हुए भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं सुरा सुरगणा समदेश कालह। आहा, एक एक शब्द समझने का प्रयास कीजिएगा। ये व्हाट्सएप का आया हुआ माल दूसरों को चिपकाना, ये बंद करो, इस पर ध्यान दो, ये दो बार, पांच बार, दस बार सुनो और इससे जो अनुभूति होती है वो लिखो और वो लोगों को समाज में प्रस्तुत करो। भागवत का मैसेज क्या कहते हैं? एवं सुखदेव जी कहते हैं, एवं इस प्रकार सुर और असुर, गणा माने, गणा माने 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ असुर, इस प्रकार से समुद्र मंथन किए। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जितनी क्वांटिटी में देवता थे उतने ही क्वांटिटी में असुर भी थे, दोनों समान क्वांटिटी थी। तो एवं सुर असुर गणा, जितने देवता थे उतने ही असुर थे, एक। दूसरा, समदेश कालह, ये देवता और असुर दोनों एक स्थान में खड़े रहकर मेहनत किए थे। ऐसा तो नहीं था ना कि देवता भारत में रहकर समुद्र मंथन कर रहे थे, असुर लोग पाकिस्तान में समुद्र मंथन कर रहे थे, नहीं। देव और दानव मिलकर एक ही स्थान पर समुद्र मंथन कर रहे थे और क्वांटिटी में भी दोनों समान थे। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, कालह, समय भी दोनों के लिए सेम था। ऐसा नहीं देवताओं ने 2019 में किया, असुरों ने 2020 में किया, नहीं, दोनों ने एक साथ समुद्र मंथन किया।
सुखदेव जी क्या बात कर रहे हैं कि एवं सुर असुर गणा सम देश काल, देवता और दानव ने जब समुद्र मंथन किया तो दोनों की क्वांटिटी संख्या समान थी, स्थान भी समान था, समय भी समान, काल भी समान था, और आगे हेतवर्थ कर्म मतयोपि, और दोनों का हेतु, दोनों का उद्देश्य भी एक था, क्या कि अमृत प्रकट करना है। अच्छा फिर कहते हैं अर्थ, अर्थ माने इन्वेस्टमेंट, देवता और दानवों ने इन्वेस्टमेंट जो किया था वो भी समान था। अब इन्वेस्टमेंट दो था, समुद्र में लता औषधि सब कुछ डालना, तो देवताओं भी लाकर डाले, असुर भी लाकर डाले, और दूसरा इन्वेस्टमेंट अपनी शक्ति, अपना बल। तो समुद्र मंथन करने के लिए देवताओं ने जितनी शक्ति लगाई उतनी ही शक्ति असुरों ने भी लगाई थी। तो इतने में आपको समझ में आ गया कि देव और दानव दोनों क्वांटिटी में समान थे, एक समय, एक एक देश, एक समान उनकी एनर्जी, सब कुछ समान था। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं फले, लेकिन जब फल मिला देव और दानवों को अपनी मेहनत का, जब फल मिला तो विकल्पा, दूसरी लाइन के अंत में फले विकल्पा, सब कुछ समान था लेकिन रिजल्ट दोनों को भिन्न भिन्न मिला, रिजल्ट दोनों को डिफरेंट मिला। क्यों? आप देखिए, हम जीवन भर साल भर मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सोचते हैं हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत तो देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने की थी, समान मेहनत, समान पढ़े लिखे थे, समान एजुकेशन, समान रूपवान, समान देश, समान काल, सब कुछ समान, लेकिन फले विकल्पा, लेकिन फल जो था वो दोनों में भिन्न हुआ। क्यों, कैसे भिन्न? तत्र अमृतम सुरगणा फल अंज सापु, क्योंकि सुरगणा देवताओं को अमृत का पान करने का अवसर मिला, देवताओं ने अमृत का पान किया लेकिन असुर नहीं कर पाए। क्यों? क्यों? दोनों की समान मेहनत, सब कुछ समान होने पर भी फल मात्र देवताओं को मिला, असुरों को नहीं मिला। क्यों? चौथी लाइन इसका उत्तर है, क्योंकि देवता यतपाद पंकज रज श्रययान श्रयणा, क्योंकि देवता जो है यत, यत माने भगवत, देवता भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के पाद पंकज रज, भगवान विष्णु के चरण कमल की रज में आश्रित थे। श्रयणा, श्रयणा माने आश्रित, सरेंडर, क्योंकि देवता भगवान विष्णु के चरणों में सरेंडर थे। और लास्ट शब्द कहते हैं न देत्या, और देत्य असुर लोग सरेंडर नहीं थे, दैट्स ऑल। अब देखिए, दोनों की मेहनत बराबर, लेकिन फल उसी को मिला जो भगवान को सरेंडर था। बाकी असुरों ने बहुत मेहनत की लेकिन भगवान को सरेंडर नहीं होने के कारण उनको कोई फल नहीं मिला। मुझे आपसे इतना कहना है कि मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ देवताओं की तरह भगवान को सरेंडर होना है। मेहनत के साथ साथ मेहनत करेंगे और भगवान को शरणागत होंगे तो निश्चित फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और केवल मेहनत करते रहेंगे, साल भर मेहनत, जॉब करो, ओवर टाइम करो, ये करो, वो करो, साल भर मेहनत करेंगे लेकिन भगवान को शरणागत नहीं रहेंगे तो असुरों की तरह मिलेगा केवल ठेंगा, कुछ नहीं, बेचारे खाली हाथ वापस आए। सो बहुत सुंदर बात, ये धनतेरस के दिन घटी। देवताओं ने अमृत कब पिया? आज के दिन पिया। देवताओं को साल भर मेहनत जो की उसका फल धनतेरस के दिन मिला, ये आज के दिन की महिमा है। और ये पूरे प्रसंग के बाद सुखदेव गोस्वामी अपनी ओर से एक कमेंट देते हैं, समझने लायक है भक्तों, जीवन में उतारने लायक है, थोड़ी सी कठोर है, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं तो केवल भागवत का अनुवाद कर रहा हूं भक्तों। सुखदेव गोस्वामी अपनी ओर से एक कमेंट देते हुए निवेदन करते हैं कि हे परीक्षित, यत योजते सुवसु कर
ममनो वचो भी देहात्मजा दिशुनृभि तदसद पृथक्वा तैरेव सद्भवति यत् क्रियते अप्रीत्वा सर्वस्य तद् भवति भू निषेचनम् जय। ये हैं धनतेरस है। यत युज्यते अशुभ कर्म मनोवचो भी, ध्यान से सुनिएगा। यत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यत शब्द जो ना सबको लागू पड़ता है। ये मुंबई वाले, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले, कनाडा वाले, अमेरिका वाले, यत यत माने सब लोग। सो कहते हैं कि यत युज्यते, यदि हम लोग युज्यते काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो बिजनेस जो भी आप समझिए, जो आप आपका कर्म है, यत युज्यते हम जो भी मेहनत करते हैं किसके लिए करते हैं, तो गिना रहे हैं हम मेहनत किसके लिए करते हैं, तो वो गिनाते हुए कहते हैं अशु। अशु माने प्राण, है ना भाई। प्राणों को भाई पेट में कुछ डालेंगे तो ये शरीर चलेगा। तो यत युज्यते हम लोग मेहनत काम धंधा बिजनेस करते हैं, क्यों? क्योंकि अशु प्राणों के लिए। वसु, वसु माने हम मेहनत करते हैं धन के लिए। फिर कर्म, कर्म मन, और फिर वचो भी वाणी, फिर देह आत्मन शरीर, और फिर किसके लिए, तो कहते हैं आदिशु पुत्र आदि के लिए। नृभि मनुष्यों के द्वारा तत् असत पृथकवात, मनुष्यों के द्वारा अपनी आत्मा से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से, चाहे किसी भी वस्तु से मनुष्य जो कर्म करता है, वो किसी के लिए भी कर्म करे, चाहे अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, समाज के लिए, तो ये सारे कर्म फोकट हैं, फेल हैं। मैंने पहले कहा कठोर लगेगा, लेकिन कंप्लीट सुन लीजिएगा। यदि हम कोई कहे ना, मैं तो मेरी पत्नी के लिए कमाता हूं, मैं मेरे बच्चों के लिए कमाता हूं, आदमी फेल, जीरो, टोटल जीरो, टोटल लॉस, मतलब समुद्र मंथन में उसकी मनोवृत्ति कैसी है, असुरों जैसी। समुद्र मंथन हुआ, हमें तो देवता जैसा बनना है ना, तो देवता की मनोवृत्ति हमें सीखनी है, न कि असुर की। यदि कोई कहे कि मैं पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए, समाज के लिए, चलो बाहर से हमने कहा तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर हमारा जो कैलकुलेशन जो है, हमारा जो मनोभाव है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, ये सब कुछ ये मैं कमा रहा हूं। तो यहां पर एक शब्द बहुत सुंदर है, पृथकवात। पत्नी, बच्चे, समाज, घर, गृहस्थी, इन सबको पृथक, भगवान से पृथक समझकर, मतलब भगवान सेंटर में नहीं है, भगवान से पृथक समझकर केवल पत्नी, बच्चे, समाज, फैमिली के लिए कोई मेहनत करे, तो वह असुरों की तरह वह मेहनत फेल जाएगी, वो फोकट जाएगी, वो जीवन में हारा हुआ साबित होगा। लेकिन वही व्यक्ति भले पत्नी, बच्चे, समाज सबके लिए मेहनत करे, लेकिन क्रियते अपृथकवात, उसे कृष्ण का समझकर मेहनत करे, तो वह सीधे भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति हो जाएगी, वह देवताओं जैसी भावना हो जाएगी। देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारी संस्था का नाम क्या रखा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत संघ। हमारी इस संस्था में कार्य को बदला नहीं जाता, आप जहां हो वहां रहो, जो करते हो वह करो। हमारी इस संस्था का मेन मोटो उद्देश्य भावना को चेंज करना है,
हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारी भावनाओं को बदलना है। सो ये मेरा बेटा जो है ये भगवान ने मुझे दिया है, ये मेरा बेटा भगवान का अंश है और भगवान ने मुझे सेवा करने के लिए दिया है, ये सोचकर बेटे की सेवा करें तो वह कृष्ण की शुद्ध भक्ति है। लेकिन ये मेरा बेटा है, हैं? ये मेरी आत्मा है, मैंने इसे पैदा किया है, मैं हूं इसलिए ये है, ये भावना होगी तो असुरों की तरह हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। बहुत छोटी सी बात है, सूक्ष्म चीज है, केवल भावना चेंज करनी है, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। नहीं तो आपने देखा ना, देवता और असुर ने मेहनत, एफर्ट सब कुछ सेम था, लेकिन फल केवल देवता को मिला क्योंकि भावना का डिफरेंस था। सो हमें क्या भावना रखकर काम करना है कि ये जो मेरी पत्नी है ये भगवान की सेविका है, ये भोजन पकाती है, घर चलाती है, ठाकुर जी के मंदिर की सेवा करती है, तो भगवान ने मुझे मेरी पत्नी की सेवा करने का अवसर दिया है, ये भगवान की है और भगवान ने मुझे सौंपा है इसकी सेवा करने के लिए, तो दास बनकर सेवा करना, यदि ये करेंगे तो शुद्ध भक्ति है। ये बच्चे भगवान के हैं, ये हरि के अंश है, हरि की सेवा में इनको लगाना है और मुझे उनकी सेवा करनी है, इस चेतना से खूब कमाओ। भक्तों कमाने की मना नहीं है, कई बार ऐसा कहा जाता है पैसे कमाना बुरा है, मैं आज ऐलान करता हूं कोई बुरा नहीं है, खूब कमाओ कमाओ, लेकिन इस उद्देश्य से, इस कॉन्शियसनेस से कि हरि ने मुझे जो सेवा दी है वो सेवा मैं अच्छे से कर सकूं। माधवेंद्र जैसे माधवेंद्रपुरी अयाचक वृत्ति को भी भावना हो गई कि मैं खीर खाऊं, क्यों? क्योंकि मैं मेरे ठाकुर जी को ये खीर खिला पाऊंगा, है ना। सो हम भी, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मंदिर है, ये घर भी कृष्ण का है, इस कॉन्शियसनेस से उस घर में रहेंगे कि ये घर मेरा नहीं है, ये गौरनिता का, ये कृष्ण का घर है, मैं तो इस घर का एक एक एक, एक नौकर हूं, एक पुजारी हूं। इस कॉन्शियसनेस से उस घर का मेंटेनेंस मेंटेन करें तो वो भक्ति, शुद्ध भक्ति है। गृहस्थी सन्यासी से कम नहीं है भक्तों, यदि अपनी भावना चेंज करे, अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करे। पहले ही कहा हमें कुछ बदलना नहीं है, जो खाते हो, पीते हो, पहनते हो, जहां रहते हो, जो करते हो करो, खूब कमाओ, लेकिन अपनी भावना को ठीक करो। तो बहुत सुंदर यहां पर कहा गया, यदि भावना ठीक होगी तो आप जो भी धन कमाओगे वो सफल होगा, और नहीं तो धन कमा भी लिया लेकिन भावना, कॉन्शियसनेस ठीक नहीं होगी तो सब कुछ। देखिए लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, सर्वस्य तद भवति मूल निषेचनम यत। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग आखिर जो भी हैं ये भगवान के ही तो अंश हैं, है ना। तो हमें क्या कॉन्शियसनेस रखनी है कि भगवान मूल है और ये मेरे बच्चे उनकी ब्रांच हैं, उनकी डाली हैं, उनके पत्ते हैं, बस मुझे उनका ध्यान रखना है, भगवान की सेवा करनी है। इस कॉन्शियसनेस से देखो, और मैं डीप में जाऊं, ये बेटा मेरा नहीं है, ये कृष्ण का है और कृष्ण ने मुझे इनकी सेवा करने का अवसर दिया है। ये पत्नी मेरी नहीं है, ये कृष्ण की सेविका है, क्योंकि वो कृष्ण की सेविका है इसलिए उनकी सेवा करने का अवसर मुझ दास को मिला है। इस भावना से खूब कमाए, खूब सेवा करे, खूब खिलाए पिलाए करे, आपकी शुद्ध भक्ति होगी। ये है धनतेरस। इस प्रकार से यदि हम धन कमाएंगे, इसकी ऐसी भावना रखेंगे तो खूब भगवान देंगे, भगवान के वहां कोई कमी नहीं, वो छप्पर फाड़ कर देंगे, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस जो है ठीक होनी चाहिए। और यदि ऐसी कॉन्शियसनेस है और धन नहीं भी आया तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि जीवन सफल है। चलो 25, 50, 100 साल तक धन नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद तो धन्य धन्य हो जाएंगे यदि इस कॉन्शियसनेस से हम जीवन बिताएंगे। सो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने आज धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और इस प्रकार से उन्होंने ये हमें सिखाया।